Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? मैं जुलेखा अरफान, जुलेखा किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है, आप लोग की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज रमजान स्पेशल में मैं बना रही हूँ मलाई चाइनीज चिकन कबाब। बहुत ही बढ़िया मजेदार बनती है, झटपट बन जाएगी और आप इसे स्टोर और फ्रीज करके भी रख कर एक महीने तक रख के खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी क्विकली विदाउट टाइम वेस्ट किए। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, ये है 250 ग्राम चिकन बोनलेस। थोड़ा सा पानी डाला मैंने, नमक डाला, एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे बॉईल कर लिया। जब एक दो टेबलस्पून जितना ही बचा तो ठंडा होने पर यहाँ पर मैंने श्रेड कर लिया। अब यहाँ पर ये सारी सब्जियाँ मैं आपको बता देती हूँ। ये है आधा कप पत्ता गोभी बारीक कटा हुआ, तीनों टाइप की शिमला मिर्च आधी आधी बारीक कटी हुई और एक छोटा गाजर है वो भी लंबा लंबा बारीक कटा हुआ है। एक कढ़ाई या फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए, उसमें डाल दीजिए 2 छोटे चाय के चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन या फिर कूट कर डालिएगा। मैंने कूट कर डाला है, आप 1.5 छोटा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं। इसे फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए तकरीबन 1.5 से 1 मिनट तक। जब आधा 1 मिनट हो जाए तब डाल दीजिए बारीक कटी हुई हरी मिर्चियाँ। मैं एक ही डाल रही हूँ, ज़्यादा स्पाइस नहीं डाल रही हूँ। आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं, टोटली स्किप कर सकते हैं। मिक्स कर लीजिए एक बार और इसमें डाल दीजिए हरी प्याज की पत्ती की, जो सफ़ेद प्याज आती है ना वो। यहाँ पर छोटी छोटी थी तो मैंने 4-5 ली है, आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो 2-3 लीजिएगा। बारीक काट कर डाल दीजिए, चूल्हा मीडियम पर रखें और इसे तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करें। जब 1 मिनट हो जाए प्याज को, अब डाल दीजिए सारी सब्जियाँ जैसे गाजर, तीनों टाइप की शिमला मिर्च, कैबेज बारीक कटी हुई। और पहले सबसे पहले तो चला लीजिए इसे और आधा मिनट तक इसे फ्राई कीजिए। जब आधा मिनट हो जाता है, बार बार चलाते रहिएगा, तो इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नमक, चुटकी भर ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। और जो चिकन साइड पर रखी है वो भी डाल दीजिए इसमें और मिक्स कीजिए। और अब डाल दीजिए 1/2 छोटे चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। वैसे मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। आपका ज़्यादा स्पाइसी हो तो अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा इसे। इसमें अब 1/2 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर भी डाल दीजिए। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे तकरीबन 1.5 मिनट तक फ्राई करें मीडियम आंच पर। बीच बीच में इंटरवल्स पर चलाते रहें, आप वहाँ से हटिएगा मत। 1.5 से 1 मिनट फ्राई होके हो जाए तो सॉसेस डाल दीजिए। यहाँ पर मैं 3/4 छोटे चाय का चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ, आप एक भी डाल सकते हैं, मेरा डार्क था इसके लिए मैं कम डाल रही हूँ। फिर 1/4 चाय का चम्मच चिली सॉस और 1/4 चाय का चम्मच विनेगर। एक बार चला लीजिए, सिर्फ 1/2 मिनट फ्राई कीजिए। तब तक तो जो कच्ची पक्की जो सब्जियाँ कच्ची पक्की हो गई होंगी तो यहाँ चूल्हा कर देते हैं बंद। लेकिन उससे पहले ज़रा चख लीजिए, अगर कुछ भी कम लगे तो डाल दीजिए। यहाँ मुझे थोड़ा सा चिली सॉस कम लग रहा है तो मैं 1/4 चाय का चम्मच और चिली सॉस डाल रही हूँ। तो मतलब 2 छोटे चाय के चम्मच चिली सॉस के मैंने डाले। चला लीजिए, नमक चेक कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए और चूल्हा कर दीजिए बंद और इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए एक प्लेट या बड़े से बाउल के अंदर। अब ये सब्जियों को ठंडी हो जाने दीजिए, रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। तब तक हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। वही सेम कढ़ाई के अंदर मैंने सारा निकाल लिया, इसमें डाल देती हूँ 2 टेबलस्पून मक्खन बटर मस्का, यानी कि इसे हल्का मेल्ट हो जाने दीजिए फास्ट आंच पर। जब मेल्ट हो जाता है तो 2 से 2.25 टेबलस्पून भरकर मैदा डाल दीजिए। चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच और इसे बार बार चलाते जाए, तब तक पकाएं जब तक हल्की हल्की आपको खुशबू ना आ जाए और ये जो हमारा मैदा है ये पक ना जाए, तब तक इसे पकाइए। जब अच्छा भुना जाए, खुशबू निकलने लगे, जलाइएगा मतलब, हल्की हल्की खुशबू निकलने लगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाए, तो यहाँ पर डाल दीजिए 3/4 कप जितना दूध। ग्रेजुअली डालिएगा, आहिस्ता आहिस्ता डालिएगा, एक साथ मत डाल दीजिएगा। और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए, बार बार चलाते रहिए, गुठलियाँ ना रहें, गट्ठे ना पड़े। और अगर हल्के हल्के लगे भी तो स्पैटुला की मदद से इस तरीके से मैश करते जाएं। जब ये स्लो आंच पर आप पकाएंगे, हल्का सा मैं नमक और काली मिर्च का पाउडर भी डाल रही हूँ और डालकर मिक्स कर लीजिए। जब आप देखें कि ये थिक होने लगा है और अच्छा थिक हो जाए और पैन छोड़ दे, तो इसे भी आप प्लेट में निकाल कर साइड पर रख दीजिए थोड़ा ठंडा होने के लिए। जब सब्जी और ये जो हमने बनाकर रखा था मिक्सचर मैदे का वाइट वाला सॉस, ये दोनों ठंडे हो जाए तो इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी खुरच कर चीज़। अब आप ये चीज़ अपने स्वाद अनुसार अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज़्यादा, या फिर आप टोटली स्किप कर सकते हैं। मैंने अंदाजन समझिए ना 1 से 1.5 क्यूब जितनी डाली होगी।
और अब इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियंस भी डाल दीजिए, हरी प्याज की पत्ती, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, अगर आपको कुछ मिक्स करने के बाद लगे कि नमक कम है तो एडजस्ट कर लीजिए, स्पाइस कम लगे तो चिली सॉस एडजस्ट कर लीजिए, अपने हिसाब से स्वाद अनुसार आप आगे एडजस्ट कर लीजिए। और इसे मिक्स करने के बाद आधे पौने घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, सो दैट मैनेजेबल हो जाए, क्योंकि अभी आप कबाब बनाएंगे तो मैनेजेबल नहीं है। मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, अब मैनेजेबल है। तो तेल से हाथों को ग्रीस कीजिए, एक जेनरस अमाउंट लीजिए ये मिक्सचर का, और इसको कबाब का शेप देते जाइए और साइड पर रखते जाइए। अब शेप अपने हिसाब से आप दें, बड़े चाहिए तो बड़े बना सकते हैं, छोटे चाहिए तो छोटे बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज के बनाई हूँ, तो तकरीबन समझिए ना 19 कबाब निकली है 250 ग्राम में, अब चिकन में, तो अब आप आपके हिसाब से बड़ी या छोटी बना लीजिए। मैंने सारी कबाबें वार ली हैं, अब मैं फिर से इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। आप चाहें तो 10-15 मिनट के लिए फ्रीजर में भी रख सकते हैं। अब ये है ब्रेड क्रम, और दूसरे वाले प्याले के अंदर मैं 2 अंडे फोड़ कर डाल रही हूँ। इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नमक और 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना दूध, और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे भी साइड पर रख दीजिए। आधा घंटा हो चुका है, मैंने फ्रिज से निकाल लिया, और एक कबाब लीजिए, अंडे में बराबर से चारों ओर से उलट पलट करते हुए बराबर से डिप करें। उसके बाद ये जो हमारे ब्रेड क्रम्स में है उसमें अच्छे से वेल कोट करें उलट पलट करते हुए, और ये बन गई हमारी कबाब, साइड पर रखते जाएं। इसी तरीके से सारी कबाबों को अंडे लगा लें बराबर से, और उसके बाद हमारे ब्रेड क्रम्स लगा लगा के साइड पर रखते जाएं। चलिए, ये सारी वार ली हैं, अभी आप फिलहाल फ्रीज करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बट अगर आप अभी बनाना चाहते हैं तो फिर से आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, उसके बाद फ्राई कीजिएगा। मैं इन्हें थोड़ों को फ्रीज कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो एयरटाइट कंटेनर लीजिए, उसके नीचे आप पट्टा पेपर लगाकर इस तरीके से लाइन सर हमारी जो कबाबें हैं, चाइनीज चिकन मलाई कबाब, वो सारी लगा दीजिए। फिर से एक बटर पेपर रखिए, उसके बाद फिर से एक लाइन हमारी कबाबों की लगा दीजिए, फिर से बटर पेपर लगा के, फिर से कबाबों की लाइन लगा कर ढाक कर इसे फ्रीजर में ऊपर रख दीजिए। आप तकरीबन 1 महीने तक रख के इसे खा सकते हैं। अगर आपके पास एयरटाइट कंटेनर ना हो तो जिप लॉक बैग में इसे डालकर फ्रीज कर लीजिएगा। जिप लॉक बैग में एक के ऊपर एक मर डालिएगा, लाइन सर बराबर में एक के बराबर में एक डालकर उसे स्टोर कीजिएगा। अभी मैं सारे फ्रिज में रख देती हूँ ढक कर, फिर आधे घंटे के बाद जब फ्राई करूंगी तो इन्हें ऊपर फ्रीजर में रख दूंगी। चलिए, आधा घंटा हो चुका है, तो तेल फास्ट आंच पर गरम कर दीजिए, अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारी ये जो कबाबें हैं ये डाल दीजिए, और इसे मीडियम आँच पर फ्राई करें। कुछ सेकेंड्स के बाद उसे पलटें, उलट पलट करते हुए मीडियम आंच पर तब तक फ्राई करें जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल लीजिए और छन्नी के ऊपर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे बैचेस में फ्राई कर लीजिए। टिश्यू पेपर के ऊपर मत रखिएगा, क्योंकि टिश्यू पेपर के ऊपर जब आप रखते हो तो थोड़े से सॉफ्ट और सॉगी हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, और डायरेक्टली आप छन्नी पर रखोगे तो तेल भी निथरता जाएगा और सॉगी सॉफ्ट नहीं होंगे और अच्छे क्रिस्पी रहेंगे। तो चलिए, मैंने तो सारे जो 8-9 निकाले थे वो सारे बना लिए, बाकी के फ्रीजर में रख के मैंने स्टोर कर लिए। देखिए कितने बढ़िया से बने, और ज़्यादा ऑयल भी नहीं लग रहा, क्रिस्पी भी बने। ये आपको मैं को खोल के भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह, कितने बढ़िया से हमारे मलाई चाइनीज चिकन कबाब बन चुकी है। आप चाहें तो इसे शेजवान चटनी के साथ सर्व करें या फिर टमाटर सॉस के साथ सर्व करें, बढ़िया सी। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? है ना मज़ेदार, और टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया है। खाओगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और कुछ जो चटनियों की रेसिपी है मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल देती हूँ, वहाँ चेक कर लीजिएगा। और अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और बहुत ज़्यादा आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगे, एक लाइक तो करिए दीजिए ये वाले वीडियो को, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में फॉरवर्ड कर ही दीजिए ये वाले वीडियो के लिंक को। सो फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।